Hello guys, now welcome back to our YouTube channel Rajesh Classes. We have done chapter number 7. Now we will continue the topic. In this chapter we will study about two approaches. According to Keynes, he believed that an economy is said to be in equilibrium when aggregate demand of goods and services is equal to aggregate supply. Keynes क्या कहता था कि किसी भी economy में goods और service का जो इक्विलिब्रियम कब हम अटेन करते हैं, जब हमारी डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल होगी, मतलब कि जितना हम डिमांड कर रहे हैं हम उतना ही सप्लाई करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, ये कब होगा, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड हमने क्या पढ़ा था, सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई क्या पढ़ा था, सी प्लस एस, कंजप्शन कंजप्शन कट गया, I is equals to S. So we got our two approaches. First one, that is AD is equals to AS. इसको बोलते हैं हम ADS approach. Second, we have got I is equals to S. That is investment saving approach. अब हमने जो पहले schedule करा था, income 0, 100, 200, 300, 400, 500. फिर क्या लिया था हमने, consumption. कितने का, 40, 120, 200, 280, 560, sorry 360, then 440. फिर क्या ली थी हमने, सेविंग्स, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40 एंड 60. इन्वेस्टमेंट क्या एज्यूम करी थी हमने, कॉन्स्टेंट, दैट इज 40, 40 और यू कैन टेक एनी वैल्यू. देन यहाँ से अब हम निकालेंगे एडी. एडी क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सी प्लस आई, यानी कि सी प्लस आई, 40 प्लस 40, 80, 120 प्लस 40, 160, 240, 320, 400, 48. अब यहीं से हम निकालेंगे अपना AS. AS क्या होता है, सी प्लस एस, सी प्लस एस, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500. अब इनमें से देख के बताइए कि ए डी एस अप्रोच के हिसाब से ए डी और ए एस इक्वल कब है, इस वाले पॉइंट पे ए डी ए एस की इक्वल है, ये हमारी ए डी एस अप्रोच. फिर उसके बाद आई इज इक्वल्स टू एस. अब देखिए इसी पॉइंट पे आई और एस ये भी दोनों इक्वल है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो हमसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ अटेन हुआ है शेड्यूल में, तो क्या आएगा, एट 400 लेवल ऑफ इनकम वी अटेन आर इक्विलिब्रियम लेवल. अब एक ग्राफ बनाते हैं, देखो ये है ज़ीरो, ये ए डी और ए एस, और ये हमारी इनकम है, ठीक है. हमें पता है इनकम ज़ीरो से जाती है 45 डिग्री पे, ये हो गई हमारी ए एस. ए डी क्योंकि कुछ हम ज़ीरो लेवल पे भी कंजप्शन करते हैं, इसलिए हमने ये कर दिया. अब ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर ए डी ए एस को कट कर रहा है, लेट सपोज इट्स ई, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है ए डी ए एस के इक्वल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए डी लेस देन ए एस है. अब देखो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ज़्यादा है. अब जब डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉयर ज़्यादा रखने पड़ेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. अब जब प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, तो आप क्या प्राइस भी बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना. तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आपका प्राइस भी बढ़ेगा. ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड के, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम कर दोगे. प्रोडक्शन कम करोगे तो एम्प्लॉयर्स को जॉब से हटा दोगे. अब जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो ऑफकोर्स उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया और अपना प्राइस भी कम हो गया. अब ऐसे ही सेम आई एस अप्रोच से देखते हैं, ज़ीरो दिस इज़ आर इनकम,
दिस इज एस आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स. अब इन्वेस्टमेंट आपको पता है कॉन्स्टेंटली वी आर 40, ये तो आगे भी कॉन्स्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन्वेस्टमेंट. सेविंग कर्व कैसे स्टार्ट होगा, पहले इस पॉइंट से पे डिस सेविंग्स होती है, डिस सेविंग्स से जाएगा ऐसे, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल. इधर क्या हो रहा है, एस और आई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया एस इज इक्वल्स टू आई वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पर अभी क्या था ए डी इज इक्वल्स टू एस, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब इधर क्या है, इधर आई ग्रेटर देन एस है और इधर क्या है, इधर आई लेस देन एस है. अब जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज़्यादा होंगी, इधर भी सेम यही होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. अब इधर जब आप सेव ज़्यादा कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन आप कम करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट कम करोगे, तो प्रोडक्शन भी कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आर टू अप्रोचेस, फर्स्ट वन ए डी एस अप्रोच, सेकेंड आई एस अप्रोच. तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विल बी अपलोडेड सून. सो जस्ट दोज हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.